दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों के टेस्ट सीरीज का रोमांच छाया हुआ है। इस टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट मैच रांची में खेला जा रहा है। धोनी के शहर में खेले जा रहे टेस्ट दोस्तों इस मैच के तीसरे दिन इंग्लिश बैट्समैन आर अश्विन और कुलदीप यादव की फिरकी में फंस के रह गए, लेकिन यहां इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने अंपायर को उनके फैसले के लिए अपने ही अंदाज में आंख दिखाई। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के कप्तान रोहित अक्सर ही अपने ही खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने अंपायर के फैसले के गलत साबित होने के बाद स्लेजिंग की और अंपायर को बताया कि वो सोच समझ कर फैसला दे। जी हाँ दोस्तों, इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने अंपायर से स्लेजिंग कर डाली। बात दरअसल जो रूट के विकेट के दौरान की है, जब जो रूट को फील्ड अंपायर ने आर अश्विन की बॉल पर नॉट आउट करा दिया। इसके बाद टीम इंडिया ने DRS लिया। DRS में जो रूट को अंपायर ने आउट करार दिया, फिर क्या था, एक तरफ तो टीम इंडिया जो रूट के विकेट का जश्न मनाने लगी तो दूसरी तरफ रोहित शर्मा फील्ड अंपायर की तरफ देखते हुए आगे बढ़े और हाथ से जोशीले अंदाज से इशारा करते हुए मानो कह रहे हो कि फैसला चाहे जो भी दो, थर्ड अंपायर का फैसला तो उनके हक में आया। इस तरह से रोहित को अक्सर ही देखा जाता रहा है। दोस्तों, हिटमैन के अंपायर को देख कर स्लेजिंग करने को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। पर से तमाम अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा ये चैनल स्पोर्ट्स मैच। अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक यूजर हैं तो आगे भी हमें फॉलो कर सकते हैं।